ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, शनि की महिमा की बात कर रहे हैं आज हम। पंडित जी, जिन लोगों पर शनि की दशा हो उन लोगों को क्या करना चाहिए, उनके लिए मंत्र जानना चाहेंगे हम आपसे। जी बिल्कुल, साढ़े साथी का अक्सर सुना होगा, शनि जातक के पिछले समय में किए गए कर्मों का हिसाब उसी प्रकार से भगवान शनिदेव लेता है जैसे घर के एक नौकर को पूरी जिम्मेदारी दे दी, ऑफिस के उसको एम्प्लॉय को जिम्मेदारी दे रही, और थोड़े समय बाद में आपके हेड आते हैं, बॉस आते हैं, आपसे हिसाब मांगते हैं और हिसाब में भूल होने पर डांटते हैं या सजा दी जाती है, भैया कल से मत आना। ठीक उसी प्रकार जो है शनि भगवान भी हर प्राणी को दंड देते। साढ़े साथी चौथे, छठे, आठवें और बारहवें भाव में होगी तो जातक को अवश्य दुखी करेगी। तीनों सुख शारीरिक, मानसिक, आर्थिक को हरण कर लेती है। कितने ही लोगों का साढ़े साथी बुरा हाल कर देती है। करोड़पति लोगों को रोडपति करके घुमाने लगती है, गमछे में घूमते हैं ऐसे लोग। और शनि के इस समय का विचार पहले से कर लिया जाए तो धन की रक्षा हो जाती, सावधानी नहीं बरती गई तो मात्र पछताना रह जाता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपने साढ़े साथी के समय में शनि की महादशा में शनि की प्रारंभ होने से पहले ही जब तप कर लेना चाहिए। जो विधान मैं आपको बता रहा हूँ उसको कर लेना चाहिए। एक शनि मंत्र आपको बता रहा हूँ, लिख लीजिए। शनि ग्रह की पीड़ा से निवारण के लिए पाठ, पूजा, स्त्रोत मंत्र, गायत्री मंत्र इत्यादि विशेष रूप से है जो कि आपको करने चाहिए। 108 बार शनि चालीसा का पाठ करने से चमत्कारिक लाभ प्राप्त होता है। एक मंत्र है, ओम प्राम प्रेम प्रोम स शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रेम प्रो स शनिश्चराय नमः। शनि के 108 नामों का नित्य पाठ करने से शनि संबंधी जो पीड़ाएं हैं वो समाप्त होती हैं और जो पाठ करते हैं उनको धन धान्य समृद्धि वैभव से वो पूर्ण हो जाता है, बिगड़े कार्य बनने लगते हैं। 100% अनुभूत उपाय है। शनिदेव दान पुण्य से बहुत खुश होते हैं पंडित जी, तो अगर आपको शनि की दशा है किसी भी व्यक्ति को तो कौन से उपाय करने चाहिए और कौन से उपाय फायदेमंद होंगे वो जानना चाहेंगे हम आपसे। जी बिल्कुल, पुष्य अनुराधा उत्तराभाद्र नक्षत्रों के समय में शनि पीड़ा के निमित्त स्वयं के वजन के बराबर चने, काले कपड़े, जामुन के फल, काले उड़द, काली गाय, गोमेट, काले जूते, तिल, भैंस, लोहा, तेल, नीलम, काले फूल, कस्तूरी, सोना इत्यादि दान की वस्तुएं जो हैं वो शनि के निमित्त दान की जाती है। कुछ सरल से उपाय, दोनों समय भोजन में काला नमक और काली मिर्च का प्रयोग करिए। जो शनि से पीड़ित हैं सफेद नमक खाना छोड़ दीजिए, काला नमक खाइए। दूसरा, शनिवार के दिन बंदरों को भुने हुए चने अवश्य खिलाएं, मीठी रोटी पर तेल लगाकर काले कुत्ते को खाने को अवश्य दें। तीसरा उपाय, यदि आपको लगता है कि शनि आपको पीड़ित कर रहा है तो मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। चौथा, प्रतिदिन पूजा करते समय महामृत्युंजय मंत्र ओम नमः शिवाय ओम जूम सह जो भी आपको आता हो उसका जाप अवश्य करें, शनि के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। पांचवा, घर के किसी अंधेरे भाग में किसी लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें तांबे का सिक्का डालकर रखें। छठा, शनि ढैया से यदि आप पीड़ित हैं तो उस नेगेटिविटी को कम करने के लिए शुक्रवार की रात्रि में 800 ग्राम काले तिल पानी में भिगो दें और शनिवार को प्रातः उन्हें पीसकर गुड़ में मिलाकर 8 लड्डू बनाएं और किसी काले रंग के घोड़े को खिला दें। 8 शनिवार तक ये कीजिए, शनि के दुष्प्रभाव से निश्चित तौर पर मुक्ति मिलेगी। एक और उपाय, शनिवार के दिन काली गाय की सेवा अवश्य करें, पहली रोटी उससे खिलाएं, सिंदूर का तिलक लगाएं, सींग में मोली कलावा रक्षा सूत्र बांधे और फिर मोतीचूर के लड्डू खिलाकर माँ गौ माता के चरण स्पर्श करें, शनि से मुक्ति मिलती है। एक और उपाय, प्रत्येक शनिवार को वट और पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्योदय से पूर्व कड़वे तेल का दीपक जलाकर शुद्ध कच्चा दूध अर्पण करना और उसके साथ साथ में धूप अर्पित करना भी शनि के दुष्प्रभाव से मुक्ति दिलाता है। शनिवार को ही अपने हाथ के नाप का 29 हाथ नाप लीजिए, उतना लंबा काला धागा लेकर उसको बांटकर माला की तरह गले के अंदर धारण करें तो भी शनि के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है। यदि शनि के साढ़े साथी से आप पीड़ित हैं तो शनिवार को अंधेरा होने के पश्चात पीपल पर मीठा जल अर्पण करके सरसों के तेल का दीपक और अगरबत्ती लगाएं और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा, भैरव चालीसा, शनि चालीसा का पाठ करें और पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें तो निश्चित तौर पर शनि जनित दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री।
तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।